इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें हम संपूर्ण शेयर बाजार को समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस बेहतर ढंग से कर सके शेयर बाजार में। उसी क्रम में आज का हमारा एक और बिग टॉपिक है, जितनी भी प्रकार की कैपिटल होती है कंपनी की वो सब मैं यहाँ लाया हूँ। वीडियो बड़ा बनने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनने वाला है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके अलावा मैं इसमें एंड में टेबल के माध्यम से भी और उसको सिंपल तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा ये टॉपिक। तो आज का हमारा ये टॉपिक है अथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल और रिजर्व कैपिटल, अंत में अनरिजर्व्ड कैपिटल। ये सारी कैपिटल हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आइए चलते हैं इस वीडियो को देखने में और समझने के लिए, पूरा वीडियो जरूर देखें। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि अथोराइज्ड कैपिटल को हम दो भागों में बांटने वाले हैं। पहला भाग रहेगा हमारा इश्यूड कैपिटल का, दूसरा रहेगा अनइश्यूड कैपिटल का। फिर ये अनइश्यूड कैपिटल का चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाएगा, हम इसकी आगे चर्चा नहीं करेंगे। इश्यूड कैपिटल को फिर हम दो भागों में बांटेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल। फिर ये अनसब्सक्राइब कैपिटल का चैप्टर यहाँ खत्म हो जाएगा, इसके बाद इसका लेना देना नहीं रहेगा। फिर हम सब्सक्राइब कैपिटल को दो भागों में बांटेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल को भी फिर हम दो भागों में बांटेंगे, पेड अप कैपिटल, अनपेड कैपिटल। और फिर हम अनकॉल्ड कैपिटल को दो भागों में बांटेंगे, रिजर्व्ड कैपिटल और अनरिजर्व्ड कैपिटल। तो देखते हैं इसको वन बाय वन करके। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल के अन्य नाम कौन कौन से हैं, इसे किस किस नाम से जाना जाता है? इसे अथोराइज्ड शेयर कैपिटल इज आल्सो नोन एज अथोराइज्ड स्टॉक, अथोराइज्ड शेयर्स और अथोराइज्ड कैपिटल स्टॉक, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल के नाम से इसको जाना जाता है। इतने नाम है इसके। अथोराइज्ड शेयर कैपिटल या अथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल अमाउंट विथ विच ए कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड द अथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी के जो रजिस्ट्रार होता है, जो कंपनी का लॉ होता है, उस कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है जिस अमाउंट को लेकर, उसे ही हम अथोराइज्ड कैपिटल के नाम से जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, अथोराइज्ड शेयर कैपिटल रेफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स ए कंपनी इज लीगली अलाउड टू इशू। कहने का मतलब, अथोराइज्ड कैपिटल या अथोराइज्ड शेयर कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने का मैक्सिमम कोई कंपनी शेयर जारी कर सकते हैं लीगली। जितनी पूंजी की या जितनी कैपिटल का कंपनी मैक्सिमम रूप में इशू जारी कर सकती है अपने शेयर्स का, उसी को हम अथोराइज्ड कैपिटल के रूप में जानते हैं। एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए फर्म इज अलाउड टू इशू 10 लाख शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज पर शेयर। ये जो एस साइन आ रहा है ये मैंने शेयर्स के लिए लिया है, ताकि आपको ध्यान रहे जहां जहां ये एस आएगा वहां शेयर का बात कर रहा हूं और ये रुपीज का साइन है, ठीक है। सपोज ए फर्म इज अलाउड टू इशू 10 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज 10 पर शेयर। मान लीजिए कोई कंपनी को 10 लाख शेयर्स जारी करने की अनुमति मिलती है, अलाउ किया जाता है कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा। किस रेट पर? 10 रुपीज पर। तो अलाउड टू इश्यू कैपिटल इज 10 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू 1 करोड़ रुपीज। तो इसका मतलब इस कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल कितनी हुई? 10 लाख शेयर्स को गुणा कर दो आप 10 रुपए से, तो कितनी राशि आई? 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़। तो इसका मतलब है यही कंपनी की अथोराइज्ड कैपिटल है 1 करोड़ रुपीज। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विच इज अलाउड टू इशू। ये मैक्सिमम कैपिटल है। मैक्सिमम कैपिटल मतलब कि
कोई कंपनी मान लीजिए ए कंपनी है, वो ज्यादा से ज्यादा अगर उसको ये अलाउ किया हुआ है तो 1 करोड़ से ज्यादा के वो शेयर्स जारी नहीं कर सकती है, ये उसको इतनी ही अलाउ किया गया है कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा। हम ये पूरा का पूरा सैंपल लेके चल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना कि हमने अथोराइज्ड कैपिटल कितनी मान ली है, 1 करोड़ रुपीज हमने अथोराइज्ड कैपिटल मान ली है। और कैसे मानी है, 10 लाख शेयर्स को हमने 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करके हमने ये अथोराइज्ड कैपिटल निकाल लिया, हम इसको आगे यूज करने वाले। दिस इज नोन एज अथोराइज्ड कैपिटल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अथोराइज्ड कैपिटल को 2 भागों में बांटा गया है, इशूड कैपिटल और अन इशूड कैपिटल। तो देखते हैं इसे, पहले हम इशूड कैपिटल देखते हैं ये क्या होती है। द इशूड कैपिटल रेफर्स टू द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। कहने का मतलब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कितने शेयर्स इशू किए हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उस जो रकम होगी उसकी, जो राशि होगी उसी को हम क्या कहेंगे, इशूड कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल। खास बात, ये पार्ट है अथोराइज्ड कैपिटल का, अथोराइज्ड कैपिटल का एक पार्ट है इशूड कैपिटल। देखते हैं इसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। आउट ऑफ 1 करोड़ रुपीज, ठीक है, ये 1 करोड़ है जो अभी अभी हमने अथोराइज्ड कैपिटल निकाली थी, ये 1 करोड़ की अथोराइज्ड कैपिटल आई थी, हमने याद है 10 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई किया था 10 रुपीज से, तो अथोराइज्ड कैपिटल आई थी 1 करोड़, ठीक है। सपोज ए फर्म इशू 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज 10 पर शेयर। मान लीजिए कोई कंपनी इशू करती है 5 लाख शेयर्स, किस रेट पर, 10 रुपए रेट पर, तो इशू कैपिटल कितनी होगी, इशू कैपिटल इज 5 लाख इंटू 10 रुपीज, दैट इज 50 लाख रुपीज, दिस इज द इशूड कैपिटल। तो समझ में आई, इशूड कैपिटल तो क्या हुई 50 लाख, जबकि अथोराइज्ड कैपिटल कितनी थी 1 करोड़, तो 1 करोड़ की तो उसको अलाउ किया गया था, अनुमति मिली थी कंपनी को, लेकिन उसने जारी कितना किया, इशू कितना किया, केवल 50 लाख के शेयर्स। तो ये 50 लाख के जो शेयर्स इशू किए हैं उसको तो इशूड कैपिटल कहेंगे, और जो जितनी टोटल रकम थी उसको हमने अथोराइज्ड कैपिटल कह दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब हम अथोराइज्ड कैपिटल का दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। पहला पार्ट देख लिया हमने इशूड कैपिटल, दूसरा पार्ट है अन इशूड कैपिटल। अन इशूड कैपिटल क्या होती है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल इज नोन एज अन इशूड कैपिटल। जो आपका अथोराइज्ड कैपिटल था 1 करोड़, उसका जो रिमेनिंग पार्ट कौन सा, इशूड कैपिटल के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसका अथोराइज्ड कैपिटल का, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनयूज्ड कैपिटल, दैट इज पार्ट ऑफ द अथोराइज्ड कैपिटल। ये भी अथोराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है, अथोराइज्ड कैपिटल के 2 पार्ट हो गए, इशू कैपिटल और अनयूज्ड अन इशूड कैपिटल, दैट हैज नॉट येट बीन इशूड, जिसे अभी तक इशू नहीं किया गया है, जो इशू कर दिया वो इशू कैपिटल और जो इसको नहीं इशू किया है वो अनयूज्ड कैपिटल हो जाए, अन इशूड कैपिटल हो रही है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आउट ऑफ रुपीज 1 करोड़, कैसे निकला था 1 करोड़, 10 लाख शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया था 10 रुपीज से, जो उसकी अथोराइज्ड कैपिटल थी कंपनी की, तो अथोराइज्ड कैपिटल कितनी हुई कंपनी की, 1 करोड़ रुपीज थी। सपोज ए फर्म इशू 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रुपीज 10 पर शेयर। कंपनी ने मान लीजिए इशू कर दिए 5 लाख शेयर 10 रुपीज पे, तो इशू कैपिटल कितनी हो गई, 5 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज, तो 50 लाख रुपीज के कंपनी ने शेयर्स इशू कर दिए, तो ये तो इशू कैपिटल हो गई 50 लाख, दिस इज द इशू कैपिटल। और रिमेनिंग क्या हुआ, रिमेनिंग हुआ 1 करोड़ में से ये आप इशू कैपिटल घटा दो 50 लाख, तो बचा कितना, 50 लाख रुपए, तो ये 50 लाख जो रुपीज बचे हैं वो है 50 लाख इज अन इशूड कैपिटल। तो 50 लाख रुपीज ही इशूड कैपिटल है इस केस में, और 50 लाख रुपीज ही इस केस में अन इशूड कैपिटल है, क्योंकि हमने 1 करोड़ रुपए को 2 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब देखिए अथोराइज्ड कैपिटल को 2 भागों में हमने बांट लिया, इशूड कैपिटल अन इशूड कैपिटल। अब हम बांटने जा रहे हैं इशूड कैपिटल को 2 भागों में, सब्सक्राइब कैपिटल
और अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो देखते हैं इसे। पहले है सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच ए कंपनी हैज पॉजिटिवली रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। इशू कैपिटल का वो हिस्सा जिसके लिए कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिल गया है उसे क्या कहेंगे हम, सब्सक्राइब कैपिटल, अर्थात उसका सब्सक्रिप्शन कर लिया गया है शेयर होल्डर्स के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। आउट ऑफ रुपीज 50 लाख इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल कितनी आई थी अभी हमारे पास, 50 लाख रुपए आई थी। ठीक है, आउट ऑफ 50 लाख रुपीज इशूड कैपिटल सपोज कस्टमर्स अप्लाइड 4,80,000 शेयर्स एट द रुपीज 10, तो कितना हुआ 48 लाख के शेयर्स अप्लाई किए गए। टोटल इशू कैपिटल थी 50 लाख, कंपनी ने 50 लाख के शेयर्स जारी किए मार्केट में, उसमें से 48 लाख के शेयर्स का अप्लीकेशन आ गया। ठीक है, किस रेट पे आया, 10 रुपए के रेट पे 4,80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ गई, तो टोटल मनी कितनी हुई 48 लाख रुपए। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब कैपिटल। तो ये 48 लाख की जो एप्लीकेशन आई है उसे ही हमने क्या कहा है, उसे ही हमने सब्सक्राइब कैपिटल कहा है, जिसका सब्सक्रिप्शन कंपनी के पास आ गया है। अब हम पढ़ते हैं इशूड कैपिटल का दूसरा भाग, अनसब्सक्राइब कैपिटल। अनसब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल फॉर विच ए कंपनी हैज नॉट रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। इशू कैपिटल का ही एक पार्ट है अनसब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है, इशू कैपिटल का ही पार्ट है अनसब्सक्राइब कैपिटल, लेकिन ये वो पार्ट है जिसकी एप्लीकेशन आई नहीं है, जिसके लिए किसी भी कस्टमर ने कोई सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन नहीं दी है, इन्वेस्टर्स की तरफ से इसके लिए कोई भी खरीदारी के लिए एप्लीकेशन नहीं आई है, तो ये क्या हो गया अनसब्सक्राइब कैपिटल, अर्थात इसका कोई सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन नहीं आया है। तो दोनों पार्ट हो गए, सब्सक्राइब जिसके लिए एप्लीकेशन आई है, अनसब्सक्राइब जिसके लिए एप्लीकेशन नहीं आई है। ठीक है, इसको भी समझ लेते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। आउट ऑफ रुपीज 50 लाख इशूड कैपिटल सपोज कस्टमर्स अप्लाइड 4,80,000 शेयर्स एट द रुपीज 10, तो 48 लाख रुपीज क्या हो गया, ये हो गया हमारा इसका अमाउंट इशूड कैपिटल का। दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये तो क्या हो गई हमारी इशूड कैपिटल, कितनी थी हमारे पास 50 लाख रुपीज, उस 50 लाख रुपए में से 48 लाख रुपए, 50 लाख रुपए में से 48 लाख रुपए जो था वो क्या कर दिया, सब्सक्राइब कर लिया गया, तो उसे तो सब्सक्राइब कैपिटल कह दें। और जो बाकी का बचा है, बाकी कितना बचा, एंड द रिमेनिंग 20,000 × 10 रुपीज इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज इज अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो 50 लाख में से 48,000 गए तो बचे कितने 20,000, तो ये हम डायरेक्ट 50 लाख में से 48 लाख गए तो 2 लाख बचे, तो ये 2 लाख जो है वही अनसब्सक्राइब कैपिटल। कैसे निकाली हमने कि जो हमारे शेयर्स थे 20,000 शेयर्स थे हमारे पास, 20,000 शेयर्स को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, तो हमारे पास 2 लाख रुपए की अनसब्सक्राइब कैपिटल आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ही ये आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सब्सक्राइब कैपिटल को, अब हम दो भागों में बांटने जा रहे हैं, कॉल्ड अप कैपिटल और अनकॉल्ड कैपिटल। तो इसको भी समझते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज डिमांडेड बाय कंपनी इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जिसकी डिमांड की गई है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। द अमाउंट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल विच इज डिमांडेड बाय कंपनी इज नोन एज कॉल्ड अप कैपिटल। ऐसे शेयर्स का अमाउंट जिसके लिए कंपनी ने कॉल की है, डिमांड की है, उस
को हम क्या कहेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। समटाइम्स कंपनी डिमांड फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। कंपनियां क्या करती है, कई बार डायरेक्ट भी लेती है और कई बार टुकड़ों में भी लेती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी लेती है पैसे को। तो वो तीन प्रकार से लेती है, एप्लीकेशंस के रूप में, अलॉटमेंट्स के रूप में और कॉल के रूप में। तो हमने जो अभी हमारी रेट चल रही थी 10 रुपए पर शेयर को, उसको तीन भागों में बांट दिया है। हमने जो 10 रुपए रेट चल रही थी, अभी हमने 10 रुपए की रेट ले रही है, लिए हमने अपने शेयर्स की, तो हमने उस 10 रुपए की रेट को तीन भागों में बांट दिया है। एप्लीकेशन को हमने 3 रुपए दिए हैं, अलॉटमेंट के लिए हमने 5 रुपए निर्धारित किया है और कॉल के लिए हमने 2 रुपए। तो 3, 5 और 2 बराबर 10 होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो देखते हैं इसको, एग्जाम्पल देख के समझते हैं। आउट ऑफ 480,000 शेयर्स एट ₹10, 48 लाख रुपीज सब्सक्राइब कैपिटल। ये हमारी सब्सक्राइब कैपिटल थी, याद है ना, कि हमने 480,000 शेयर्स को 10 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई किया था, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी आई थी हमारे पास, 48 लाख। कंपनी कॉल्ड अप 480,000 शेयर्स एट द रेट ₹8 इज इक्वल टू 38,40,000। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कॉल की 480,000 शेयर्स को 8 रुपए पर शेयर पर बेचकर उसने कितनी कैपिटल प्राप्त करने की कोशिश की, 38,40,000 रुपए। दिस इज कॉल्ड अप कैपिटल इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। और ये जो उसे 38,40,000 रुपए मिले हैं, वो कैसे मिले हैं, केवल दो पार्ट से मिले उसको, एक तो एप्लीकेशन से मिले हैं 3 रुपए और एक अलॉटमेंट से 5 रुपए। तो ये 5 रुपए प्लस 3 रुपए दोनों को करके हमने 8 रुपए किया, और 8 रुपए को हमने मल्टीप्लाई किया है 480,000 शेयर से। तो ऐसे करके हमारे पास 38,40,000 रुपए आए हैं, जो कि हमारी क्या है, ये हमारी है कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है ये ध्यान रखना, इसमें केवल दो पार्ट लिया है हमने, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं अनकॉल्ड कैपिटल क्या होती है। अनकॉल्ड कैपिटल क्या है, द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ध्यान देना, ये सारा खेल अभी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का चल रहा है, अनसब्सक्राइब का नहीं है। द अमाउंट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज नॉट डिमांडेड बाय कंपनी इज नोन एज अनकॉल्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वो हिस्सा जिसकी कंपनी ने डिमांड नहीं की है, नहीं मांगा है वो, ठीक है ना, वही अनकॉल्ड कैपिटल कहलाता है। समटाइम्स कंपनी डिमांड फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। कंपनियां क्या करती है, अपने जो पैसा है शेयर्स का, उसको 3 टुकड़ों में बांट लेती है, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और कॉल में। तो ये जो कॉल है, कॉल वाला हिस्सा है, जो हमने 2 रुपए लिया है पर शेयर को, तो ये कॉल वाला हिस्सा कंपनी ने नहीं मांगा है। उसने क्या किया, प्रति शेयर 3 रुपए एप्लीकेशन के और अलॉटमेंट के 5 रुपए मांग लिया, यानी कि टोटल 8 रुपए मांग लिए, और कॉल वाले हिस्से को उसने छोड़ दिया है, उसके लिए उसने अभी डिमांड नहीं की है कंपनी ने। तो इसी हम अनकॉल्ड कैपिटल कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आउट ऑफ 480,000 शेयर्स एट द ₹10 इज इक्वल टू 48 लाख सब्सक्राइब कैपिटल। कंपनी नॉट कॉल्ड 480,000 शेयर्स एट द ₹2 विच इज 9,60,000। कंपनी ने क्या किया, उसकी जो 480,000 शेयर्स थे, उसको 10 रुपए कीमत पर कितनी हुई उसकी सब्सक्राइब कैपिटल, 48 लाख की उसकी सब्सक्राइब कैपिटल थी। तो कंपनी ने 48 लाख की सब्सक्राइब कैपिटल में से क्या किया, जो 480,000 शेयर्स थे उसको 2 रुपए के भाव पे, हमने बताया था ना अभी कि तीन भाग थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल, तो कॉल की रेट क्या थी, 2 रुपए थी, तो हमने यहाँ 2 रुपए लिए। तो 480,000 को 2 से गुना किया तो कितना आया, 9,60,000। तो ये जो 9,60,000 रुपए है, वो कंपनी ने डिमांड नहीं किया है, ठीक है, वो कंपनी अभी नहीं लेने वाली है उन शेयर्स के रूप में। टोटल 10 रुपए थे, तो 10 रुपए में से 2 रुपए गए, तो 8 रुपए तो ले लिए उसने, और ये 2 रुपए वो नहीं लेने वाली अभी। दिस इज अनकॉल्ड कैपिटल इन फॉर्म ऑफ कॉल्ड 2 रुपीज। तो ये हमारी अनकॉल्ड कैपिटल है, जो कि हमने यहां कल्पना में क्या मान ली कि 2 रुपए की है कॉल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल को, हम दो भागों में बांटने वाले हैं, पेड अप कैपिटल और
अनपेड कैपिटल, देखते हैं इसे भी। पेड अप कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज रिसीव्ड बाय कंपनी इज नोन एज पेड अप कैपिटल। सिंपल सी भाषा में कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा, द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का वो हिस्सा जो कंपनी को रिसीव हो गया है, जो उसे प्राप्त हो गया है, वही क्या है? वही है पेड अप कैपिटल। जो उसे मिल गया है कंपनी को, उसे ही हम क्या कहेंगे? पेड अप कैपिटल। समट, क्योंकि इससे पहले तो डिमांड चल रही थी, अब क्या है? पेड हो गया। पहले तो केवल डिमांड चल रही थी, अब ये क्या है? रिसीव हो चुका है उसे। समटाइम्स कंपनी डिमांड फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। हम जानते हैं हमने सैंपल में क्या लिया है कि एप्लीकेशन की रेट 3 रुपीज है, शेयर्स की अलॉटमेंट की 5 रुपीज है और 2 रुपए कॉल की है। तो यहाँ टोटल रेट कितनी हो रही है पेड अप कैपिटल की? एप्लीकेशन की 3 रुपए और अलॉटमेंट की 5 रुपए, तो 8 रुपए हम इस तरह से पेड अप कैपिटल को बना रहे हैं। ठीक, अब इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं। आउट ऑफ 480,000 शेयर्स एट द रुपीज 8 इज इक्वल टू 38,40,000 रुपीज, जो कि हमारी कोल्ड अप कैपिटल आई थी। 4,80,000 को हमने 8 से गुणा किया था 8 रुपए से, जो कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों को मिलाकर बनाया था, तो उससे 38,40,000 की कोल्ड अप कैपिटल आई हमारी। ठीक है, पेड अप कैपिटल रिसीव्ड बाय कंपनी इज क्या होगी? 4,70,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 8 इज इक्वल टू 37,60,000 रुपीज एंड 10,000 शेयर्स एट द रेट 3,1,00,000 रुपीज। तो इसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि 4 लाख टोटल थे शेयर्स हमारे पास, 4,80,000। उस 4,80,000 शेयर्स में से हमने क्या किया? 4,70,000 शेयर्स को तो हमारे पास 8 रुपए के हिसाब से पैसे आ गए, यानी कि एप्लीकेशन का पैसा भी आ गया और अलॉटमेंट का पैसा भी आ गया। कितने पे? इन 4,70,000 शेयर्स पर हमको एप्लीकेशन का पैसा और अलॉटमेंट का पैसा, यानी कि 3 और 5 = 8 रुपए के हिसाब से हमको पैसा मिल गया, 37,60,000। लेकिन जो 10,000 शेयर बचे, 4,70,000 लिए थे तो 4,80,000 में से 4,70,000 गए तो 10,000, तो ये 10,000 शेयर्स पे हमको केवल एप्लीकेशन का ही पैसा मिला है 3 रुपए के हिसाब से। 3 रुपए के हिसाब से हमको क्या मिला है? केवल एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा है, जो कि 1,00,000 रुपए है। हमें अलॉटमेंट का पैसा इस केस में नहीं मिला है। कितने शेयर्स पे? 10,000 शेयर्स पे। इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज एप्लीकेशन 3 रुपीज प्लस अलॉटमेंट 5 रुपीज बराबर 8 रुपीज होता है, है ना? तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हुई? 37,60,000 तो ये हो गई यहां से, जिस पर सब लोगों ने अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों का पैसा दे दिया। 4,70,000 शेयर्स पे 37,60,000 यहां से आ गए, ठीक, 8 रुपए की रेट से। दूसरा जो 10,000 शेयर्स थे उस पर केवल हमको 3 रुपए की रेट से ही पैसा मिला, तो 1,00,000 रुपया वो आ गया था। तो इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितनी आई टोटल पेड अप कैपिटल? 38,60,000 रुपीज, 38,60,000 रुपए हमारे पास टोटल पेड अप कैपिटल आई है। इस तरह से है ये। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पेड अप कैपिटल देख ली, अब हम अनपेड कैपिटल देखते हैं। अनपेड कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज नॉट रिसीव्ड बाय कंपनी इज नोन एज अनपेड कैपिटल। जो कोल्ड अप कैपिटल हमने अभी अभी बात की थी, चर्चा की थी, उसका वो हिस्सा जो कंपनी को नहीं मिला है, जिसके पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं कंपनी को, उसे ही हम क्या कहेंगे? अनपेड कैपिटल। जिसके पैसे मिल गए उसे तो पेड अप कैपिटल कहेंगे, और जिसके नहीं मिले उसे हम अनपेड कैपिटल कह रहे हैं। समटाइम्स कंपनी डिमांड फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज एप्लीकेशन 3 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट 5 रुपीज पर शेयर इज इक्वल टू 8 रुपीज, ये हमने कल्पना में माना हुआ है, बट नॉट रिसीव्ड मनी फॉर अलॉटमेंट 5 रुपीज। कहने का मतलब अनपेड कैपिटल क्या होगी? कि हमें वो कैपिटल जो अलॉटमेंट के रूप में हमको नहीं मिली है, नॉट रिसीव्ड मनी फॉर अलॉटमेंट। एप्लीकेशन का तो मिल गया हमको, लेकिन अलॉटमेंट की जो रेट थी वो हमें नहीं मिली है, उसे ही हमने अनपेड कैपिटल कहा है। इसको एग्जाम्पल से देखो।
एग्जाम्पल देखते हैं इसका। आउट ऑफ 480,000 शेयर्स एट द रेट 8 रुपीज 38,40,000 कोल्ड अप कैपिटल, ये हमारी 4,80,000 के शेयर्स थे, उसको 8 रुपए की रेट से कितने हुए कैपिटल, कोल्ड अप कैपिटल हुई हमारी 38,40,000 रुपए। पेड अप कैपिटल रिसीव्ड बाय कंपनी इज 4,70,000 शेयर्स एट द रुपीज 8 37,60,000 रुपीज। इस 4,80,000 शेयर्स में से हमने क्या किया था, 4,70,000 शेयर्स को 8 रुपए की दर से बेच दिया था कंपनी ने, तो उसके पास 37,60,000 रुपए आ गए थे। एंड 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 3 इक्वल टू 1,00,000 रुपीज, और 4,80,000 में से 4,70,000 गए तो 10,000 शेयर्स को कंपनी ने केवल 3 रुपए मिले थे उसको, और वो किसके मिले थे, एप्लीकेशन फीस के, अलॉटमेंट का चार्ज उसको नहीं मिला। इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन 3 रुपीज अलॉटमेंट 5 रुपीज इक्वल टू 8 रुपीज होता है। तो कंपनी को 4,70,000 शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशन के पैसे भी मिल गए और अलॉटमेंट पैसे भी मिल गए, इसलिए 5 और 3 8 रुपए की दर से उसको 37,60,000 रुपए मिले। लेकिन 10,000 शेयर्स के लिए उसको केवल एप्लीकेशन का पैसा मिला 3 रुपए, अलॉटमेंट का पैसा उसे नहीं मिला, यानी कि 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से उसको 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला है। टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हुई फिर, 37,60,000 8 रुपीज के हिसाब से प्लस 1,00,000 3 रुपीज के हिसाब से, तो टोटल हुआ 38,60,000 रुपीज। तो पेड अप कैपिटल तो कितनी हो गई, 38,60,000। एंड रिमेनिंग अमाउंट कौन सा हुआ, जो ये 10,000 शेयर्स थे यहां हमको 3 रुपए के हिसाब से मिला, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था ना, तो यही हमारा क्या है, देखिए रिमेनिंग अमाउंट 10,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज 5 इज इक्वल टू 5,00,000 रुपीज इज अनपेड कैपिटल। तो ये जो 10,000 शेयर्स पे हमको जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था कंपनी को 5 रुपए की दर से 5 रुपए की रेट से, तो ये 5,00,000 रुपए वो अमाउंट बनता है जो कि अनपेड कैपिटल है जो कंपनी को नहीं मिला है। ठीक, आगे देखते हैं इसे। और अब हमने पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल देख ली, अब हम देखने वाले हैं अनकोल्ड कैपिटल का प्रकार। पहला, रिजर्व्ड कैपिटल क्या होता है, रिजर्व्ड कैपिटल क्या है, द अमाउंट ऑफ अनकोल्ड कैपिटल विच इज रिजर्व्ड एंड Not called by company, that is known as reserved capital, which is used by company only at the time of winding up the company. इसका सीधा सा मीनिंग क्या हुआ कि ये uncalled capital क्या होती है, एक रिजर्व कैपिटल होती है जिसका कॉल नहीं किया है कंपनी ने, जिसकी डिमांड नहीं की है कंपनी ने, इसे ही हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। और इस कैपिटल का यूज कब किया जाता है, केवल और केवल इस कैपिटल का यूज तब किया जाएगा जब कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाएगी, वाइंडिंग अप करने की नौबत आ जाएगी, तब जाकर इसकी डिमांड की जाएगी, अन्यथा इस कैपिटल की डिमांड नहीं की जाती है, इसे ही हम रिजर्व कैपिटल कहते हैं। समटाइम्स कंपनी डिमांड फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलेशन, दैट इज एप्लीकेशन रुपीज 3 अलॉटमेंट 5 रुपीज एंड कोल 2 रुपीज। तो ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा तो हमने वहां ले लिया था, ठीक है, और ये कॉल जो दिख रहा है आपको यही है रिजर्व कैपिटल, इसी का हिस्सा है। देखिए, आउट ऑफ कॉल ₹2, आउट ऑफ कॉल ₹2 पर शेयर विल बी डिमांडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप द कंपनी। ये जो ₹2 हमने माने हैं, टोटल ₹10 थे शेयर्स की कीमत, तो ₹3 एप्लीकेशन के थे, ₹5 अलॉटमेंट के और ₹2 कॉल के थे। तो ये जो ₹2 हैं, उन ₹2 में से मान लीजिए, सपोज कीजिए ₹1 तब ही डिमांड किया जाएगा, जब कंपनी बंद होने लगेगी तब जाके कंपनी ये मांगेगी पैसा, तो इसे हम रिजर्व कैपिटल कहेंगे, जो केवल वाइंडिंग अप होती है कंपनी तभी उसकी डिमांड की जाती है, अन्यथा उसकी डिमांड नहीं की जाती। अब आता है अनरिजर्व कैपिटल क्या है, द अमाउंट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल Which is not reserved and can be called by company at any time. Unreserved capital क्या हुआ, जो uncalled capital है कंपनी की,
अनकोल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो उसने रिजर्व नहीं किया है और जिसकी डिमांड अभी तक उसने की भी नहीं है, ना तो उसने रिजर्व किया है ना उसने अभी उसकी डिमांड की है, लेकिन कैन बी कोल्ड बाय कंपनी एट एनी टाइम, लेकिन कभी भी उसकी वो डिमांड कर सकती है। अभी तक डिमांड नहीं की है ना उसने रिजर्व रखा है, लेकिन वो फ्यूचर में उसकी डिमांड कभी भी कर सकती है, उसी को हम अनरिजर्व्ड कैपिटल कहते हैं। समटाइम्स कंपनी डिमांड फॉर मनी इन फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 5 रुपीज, कॉल 2 रुपीज, आउट ऑफ कॉल 2 रुपीज पर शेयर विल बी डिमांडेड बाय कंपनी एट एनी टाइम। तो इसी में से मान लीजिए 2 रुपए में से 1 रुपया तो हमने रिजर्व कर दिया था, तो बाकी बचा 1 रुपया, तो वो 1 रुपया कंपनी कभी भी अपनी डिमांड कर सकती है, ले सकती है, तो इसको हमने अनरिजर्व्ड कैपिटल कहा है। फ्रेंड्स, अब मैं कंप्लीट जो कैपिटल थी उसको इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं, तो आप इसको और यहां से समझ सकते हैं। तो हमारी है ऑथोराइज्ड कैपिटल, हमने शुरुआत में मान ली थी हमारे एग्जांपल में कि 10 लाख जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स थे उसको हमने 10 रुपए से गुना किया था, तो हमारे पास टोटल 1 करोड़ रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल आई थी। कितने की? 1 करोड़ रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारे पास आ गई थी। और उस 1 करोड़ रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल में से हमने क्या किया, इशूड कैपिटल 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर्स को 10 रुपए कीमत पर कितने हुए, 50 लाख, तो 50 लाख की इशूड कैपिटल हो गई थी, और बाकी की 50 लाख की 1 करोड़ में से 50 लाख गए तो 50 लाख की हमारी अनइशूड कैपिटल हो गई थी। तो यानी कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल थी वो 2 भागों में बट गई थी, 1 करोड़ वाली 50 लाख इशूड में मान लिया था हमने, और 50 लाख अनइशूड कैपिटल हमने मान ली थी। यहां तक हो गया क्लियर? अब उसके बाद अब ये अनयूज्ड कैपिटल का मैटर खत्म हो गया है, अनइशूड कैपिटल का मैटर अब खत्म हो गया है। अब हम यहां आ रहे हैं, ध्यान दे, ये एरो है इस चीज का, ध्यान देना। इशूड कैपिटल को अब हम 2 भागों में बांटने जा रहे हैं, पहला है सब्सक्राइब कैपिटल और दूसरा है अनसब्सक्राइब कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, कस्टमर्स ने अप्लाई कर दिया है कितने शेयर्स के लिए, मान लीजिए ये 5 लाख शेयर्स थे, उसमें से 4,80,000 शेयर्स के लिए कस्टमर्स ने अप्लाई कर दिया है 10 रुपए की रेट पर, तो कितना हुआ, टोटल हुआ 48 लाख रुपए। तो ये 48 लाख रुपए क्या हुई, सब्सक्राइब कैपिटल, जिसके लिए कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन अप्लाई किया। और ये है अनसब्सक्राइब कैपिटल, जिसके लिए कस्टमर ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, उसने अप्लाई नहीं किया है, तो कितने शेयर्स बचे थे, 4,80,000 शेयर्स तो यहां हो गए, तो 5 लाख शेयर्स में से 4,80,000 शेयर्स गए तो 20,000 शेयर्स, तो 20,000 × 10 रुपए, तो ये 2 लाख की हमारी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल और अनसब्सक्राइब कैपिटल अगर जोड़ दें तो हमारे पास इशूड कैपिटल आ जाती है, यह देखिए 48 लाख प्लस 2 लाख करेंगे तो 50 लाख की इशूड कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। अब हम अनसब्सक्राइब कैपिटल का मैटर भी यहां खत्म हो गया, ठीक, अब केवल एक मैटर बचा है सब्सक्राइब कैपिटल का। अब सब्सक्राइब कैपिटल को भी हम 2 भागों में बांटने वाले हैं, कोल्ड अप कैपिटल और अनकोल्ड कैपिटल। जो कोल्ड अप कैपिटल है, कोल्ड अप 4,80,000 शेयर्स एट द रुपीज 8 रुपीज, तो यहां क्या हुआ है, जो सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो 8 रुपए की रेट पर कंपनी के पास रेट के अनुसार जो कैपिटल आई है, 8 रुपए की रेट कौन सी, कि एप्लीकेशन का 3 रुपए मिला उसको प्रति शेयर और अलॉटमेंट का 5 रुपए के हिसाब से प्रति शेयर उसको पैसा मिला, तो 4,80,000 के शेयर्स की कीमत क्या हुई 8 रुपए के हिसाब से, 38,40,000 रुपए उसे कोल्ड अप कैपिटल के रूप में मिल गए, ठीक है, ये कॉल अप कर लिया उसने। अब अनकोल्ड कैपिटल नॉट डिमांडेड, इसकी डिमांड नहीं की गई, ये क्या है एट द रेट, ये रुपीज 2 क्या है, 10 रुपए की शेयर की कीमत हमने शुरुआत में मानी थी, देखिए 10 रुपए शेयर की कीमत, उस 10 रुपए की शेयर को हमने 3 भागों में बांटा था, एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो कोल्ड अप कैपिटल का हिस्सा है, और जो ये कॉल है जिसकी कॉल नहीं की गई है, जिसकी डिमांड नहीं की गई है, वो कंपनी ने छोड़ दिया है, ठीक है, उसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब हम कोल्ड अप कैपिटल को 2 भागों में बांटने वाले हैं, पहला भाग है पेड अप कैपिटल और दूसरा भाग है अनपेड कैपिटल। तो पेड अप कैपिटल क्या हुआ, एप्लीकेशन 3 रुपीज के हिसाब से और अलॉटमेंट 5 रुपीज के हिसाब से प्लस पार्शल, पार्शल का मतलब कि किसी में अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होगा, तो उसको भी हम देखेंगे। तो देखिए
480,000 शेयर है हमारे पास टोटल। कहां से निकले 480,000 शेयर? ये सब्सक्राइब कैपिटल से। यहाँ 480,000 शेयर हमारे पास है, ठीक है। तो 480,000 शेयर में से 470,000 शेयर हमने क्या किए, 8 रुपए के हिसाब से हमको पैसा मिल गया कंपनी को। कंपनी को 8 रुपए के हिसाब से 470,000 शेयर्स का पैसा कितना मिला, 37,60,000। और बाकी के जो 10,000 शेयर बचे, शेयर्स बचे 480,000 में से 470,000 शेयर्स गए तो 10,000 शेयर्स, तो 10,000 शेयर्स के उसको कितने पैसे मिले, 3 रुपए प्रति शेयर। क्यों 3 रुपए? क्यों? क्योंकि 5 रुपए अलॉटमेंट के नहीं दिए गए हैं इन 10,000 शेयर्स पे। तो उसको कितना मिले इन 10,000 शेयर से, 1,00,000 रुपए। तो उसको कितना मिला टोटल, 37 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,00,000 रुपए। तो टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हुई, टोटल पेड अप कैपिटल हुई 38,60,000। तो ये तो मिले 8 रुपए की दर से मिला था और ये 3 रुपए की रेट से, तो इन दोनों को जोड़ा तो 38,60,000 रुपए मिल गया। ये मिल गया पेड अप कैपिटल, जो कंपनी को पैसा मिल चुका है, उसके हाथ में आ गया है, ठीक है। और अनपेड कैपिटल क्या है, रिमेनिंग अमाउंट 10,000 शेयर्स। यहाँ 10,000 शेयर्स थे है ना, 10,000 शेयर्स पे यहाँ पे हमको 3 रुपए की रेट से मिला था, 5 रुपए वाला दर नहीं मिली थी। तो ये है अनपेड कैपिटल का हिस्सा। इसमें क्या करेंगे हम, रिमेनिंग अमाउंट जो हमारा 10,000 शेयर्स है, तो उसमें अलॉटमेंट की कीमत हमने 5 रुपए लगाई, तो 5,00,000 रुपए अनपेड कैपिटल है जो कंपनी को रिसीव नहीं हुए हैं, क्योंकि उस अलॉटमेंट का पैसा अभी तक नहीं मिला है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पेड अप कैपिटल और अनपेड कैपिटल। अब हम आते हैं अनकोल्ड कैपिटल। अनकोल्ड कैपिटल को भी दो भागों में बांटा गया है, रिजर्व कैपिटल और अनरिजर्व कैपिटल। तो रिजर्व कैपिटल क्या है, आउट ऑफ कोल्ड 2 रुपीज। 2 रुपीज पता है ना, एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 5 रुपए और कोल के हमने 2 रुपए तय किया रेट। उसमें से मान लीजिए 1 रुपए प्रति शेयर, 1 रुपीज डिमांडेड ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। इसमें से प्रति शेयर 1 रुपया तब लिया जाएगा जब कंपनी बंद होगी, ठीक है। जब कंपनी बंद होगी तो इसमें से 1 रुपया उनसे तब लिया जाएगा। कितने शेयर्स पे, 480,000 शेयर्स पे, ध्यान रखना। क्योंकि हमने यहाँ केवल एप्लीकेशन, पेड अप कैपिटल में हमने क्या किया था, जो ये कॉल्ड अप कैपिटल थी उसमें हमने केवल एप्लीकेशन का पैसा लिया है, अलॉटमेंट का पैसा लिया है, यानी कि 3 और 5 8 रुपए के हिसाब से लिया है। बाकी का 2 रुपए हम किस में काउंट करने वाले हैं, यहाँ अनकोल्ड कैपिटल में। तो अनकोल्ड कैपिटल में से ये 2 रुपए में से 1 रुपया तो रिजर्व कैपिटल में जा रहा है और अगला 1 रुपया अनरिजर्व कैपिटल में जा रहा है। तो 480,000 का 1 रुपए के हिसाब से रिजर्व कैपिटल रख लिया कंपनी ने, जो केवल कंपनी बंद होगी तब लिया जाएगा। और अनरिजर्व कैपिटल 480,000 का 1 रुपए के हिसाब से 480,000 रुपए उसमें रख लिए, वो कंपनी कभी भी मांग सकती है। तो इस प्रकार से कंप्लीट टॉपिक होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं। आप इसको और प्रयास करना, एक बार समझ में नहीं आया 2 बार देखना, 3 बार देखना। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान होता तो हर कोई समझ लेता, इसीलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। अब आप ये सोचते होंगे सर हमको इतनी चीजें जानने की जरूरत क्या है, जानने से ही हम कंपनी को समझ पाएंगे और कंपनी को समझ पाएंगे तभी हम पैसा कमा पाएंगे। शेयर मार्केट कोई वो नहीं है, आप सोचो कि कोई जुए का गेम है, सट्टे का गेम है। वो कुछ किस्मत वाले होते हैं जिनका सट्टा और जुआ लग जाता है, बाकी सबको मेहनत करनी होती है। तो आप ये मेहनत करेंगे तो आप अपने आप का पैसा डूबने से भी बचा पाएंगे और कुछ कमा भी पाएंगे। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।